हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ माधवी रश्मि। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में भी अरेबिक मैंने डिज़ाइन है। और पता है, आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट की थी कि अब तो मैं ना सारे वीडियो अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन की ही बना रही हूँ। बट प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई एक बार प्लीज़ कमेंट करके बताना कि अब मैं दूसरा मेहंदी डिज़ाइन का वीडियो ले आऊँ या अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन फिर से अपलोड करती रहूँ। जैसी भी रिक्वेस्ट है ना आपकी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना प्लीज़ फ्रेंड्स, बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो गर्ल्स, कैसी हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बहुत बढ़िया होंगे। और जितने भी मैंने वीडियो अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन के अपलोड किए हैं वो आप लोग ने देखे भी होंगे। और अगर नहीं देखे हैं तो डोंट वरी, अभी मैं एक दो दिन में सभी अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन का एक कॉम्बो वीडियो बना दूंगी, तो आप उसमें देख लेना। आपको इजीली सभी डिज़ाइन एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। और जब कभी भी आपको लगाना हो तो आप उसी वीडियो को खोल लीजिएगा और देख लीजिएगा। डिज़ाइन अगर आपको थोड़ा बहुत अपनी तरफ से चेंज करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैं ट्यूटोरियल वीडियोस बनाती हूँ और जो बिगनर्स हैं उनको हेल्प मिलती है मेहंदी सीखने में। तो आप लोग ना अपनी तरफ से कुछ भी चेंज कर सकते हो। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो डिज़ाइन मैंने अप्लाई किया है वही आपको भी करना है। आप लोग कुछ और नया भी सोच सकते हो। और अगर कुछ नया करते हो तो मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। मतलब आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, वहाँ पर आप मुझे पिक भेजिए जो आपने नई बनाई है मेहंदी डिज़ाइन की। और मैं देखिए फिर भी यही कहूँगी कि देखिए कोशिश करके ज़रूर देखना। और मतलब आज का जो मेहंदी डिज़ाइन अगर पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर समझ में भी आया है ना तो भी मुझे ज़रूर बताना। और कैसा लग रहा है ये आज का बहुत ही सिंपल, थोड़ा सा अलग और हट के अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन, मतलब मुझे बताना जरूर प्लीज़। और देखिए, मैंने पहले भी अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन का भी कुछ दिनों पहले ट्यूटोरियल वीडियो बनाया था मेहंदी क्लास 22 में, तो उसमें आप लोगों को मैंने बताया था ना कि कभी भी अगर आप अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन बनाते हैं तो आप चाहे वो अंगूठा हो या जो सेंटर वाली जो फिंगर होती है, लिटिल फिंगर होती है, उसके साइड वाली होती है, मतलब कोई भी फिंगर में आप मेहंदी का एंड कर सकते हैं। जैसे कि आपने थोड़ा सा कलाई से नीचे स्टार्ट किया और उसके बाद जाके आप किसी भी फिंगर में उसे फिनिश कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं होता कि कलाई के नीचे की तरफ से ही आपको स्टार्ट करनी है, आप चाहें तो हथेली की मतलब जो किनारी होती है आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो फाइनली डिज़ाइन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।